हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर, पिल्लो कवर या टेबल का कवर कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है। ये पीस है हमारे चार, ये चारों हमारे सेम साइज़ के हैं। तो साइज़ हमारा है यहाँ से 2.5 इंच और ये भी 2.5 इंच। दो पीस है ग्रीन कलर के और येलो कलर के भी दो पीस है सेम साइज़ के 2.5 इंचेस। रेड कलर का एक है और वाइट कलर के चार पीस हैं। दो ये पीसीज हैं, तो ये हमारे वाइट कलर के चार पीस हैं। तो मेजरमेंट में है 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच है। ये पीस एक है, ये भी 2 इंच का है, यहाँ से भी 2 इंच है। तो अब ये पीस हमारे बाद में लगेंगे, तो इन पीसीस को रेडी करना है। तो जैसे ये हमारा येलो कलर का पीस है और ये हमारा ग्रीन कलर का, तो दोनों को इस तरह से बराबर करके रख लेना है। इसके बाद ये तीन पीस है हमारे और ये तीन वाइट कलर के हैं। तो ये ग्रीन के ऊपर ये वाइट लगेगा और ये इसके ऊपर लगेगा और ये इसके ऊपर, इस तरह पीस सेट कर लेने हैं। अब जैसे ये पीस है, इसको हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमें ये लाइन लगा देनी है तिरछी सेंटर में और यहाँ से इतना रख लेंगे जितना सिलाई के लिए आता है कपड़ा। इस साइड में भी इस तरह से ये मैंने लगा दी है। बाकी पीसेस पे भी इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। सारे पीसेस पे मार्किंग कर दी है। अब जैसे ये साइड की लाइन है, यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है सारे पीसेस पर। सारे पीसेस सिल दिए हैं, इस तरह से हमें ये पीस अलग कर लेने हैं और ये सेंटर की जो लाइन है यहाँ से कट कर लेना है। और इस पीस को इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। बाकी पीस भी इसी तरह रेडी करेंगे। ये सारे पीस बन के रेडी हो गए हैं। दो दो पीस बने हैं, पूरे हमारे 8 पीस बने हैं। तो ये मैंने रखे थे यहाँ पे। अब ये हमारे इस साइज़ में बन गए हैं, ये देखिए। अगर थोड़े बड़ा छोटा है तो उसे हमें कट कर लेना है। सारे पीसेस रेडी हो गए हैं, अब इनको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये रेड पीस लगाना है, इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद ये रेड और वाइट इस तरह से लगेगा, ये हमारा ऐसे आएगा, वाइट इस तरह से आएगा और ये दूसरा पीस है, ये इस कॉर्नर में ऐसे आएगा। तो इस शेप में ये बन जाएगा। इस यहाँ पे ये खाली है, तो यहाँ पर ये हमारा वाइट कलर का आ जाएगा। इसके बाद ग्रीन और ये येलो कलर का है, ये लगेगा यहाँ पर इसके नीचे यहाँ, और दूसरा पीस इस कॉर्नर में ऐसे लगेगा। इसके बाद ये हमारा येलो और वाइट है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा ये हमारा, और वाइट यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा कॉर्नर। और इस साइड में भी ये हमारा इस तरह से आएगा, ये भी हमारा ऐसे बन जाएगा और ये हमारा इस शेप में आ जाएगा। इसके बाद दो ग्रीन बचे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में आएंगे, इस तरह से बनेगा ये लीफ की शेप में और ये भी ऐसे बनेगा। ये कॉर्नर खाली है, यहाँ पर ये वाइट कलर का आएगा और ये भी यहाँ पर आएगा। तो ये इतना हमारा बन गया है। अब ये कॉर्नर खाली है, तो यहाँ पे हमें जैसे इस तरह से मेजरमेंट करके देख लेना है कितना रहा है। यहाँ पे 5 इंच आएगा, तो यहाँ पे ये हमारा सिलाई में भी जाएगा तो 4.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये 4.5x 4.5 इंच का ये पीस लिया है, यहाँ पर लगेगा। सारे पीस इस तरह से लग गए हैं, अब इनको हमें सिलना है। जैसे ये चार पीस हैं, इनको पहले सिलना है, और ये चार पीस हैं, इनको सिलेंगे। चारों अलग अलग होंगे, ये हमारा बाद में लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ से इस पीस को इसके साथ सिलना है और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीस इस तरह से सिल दिए हैं, अब इनको इस तरह सिल देना है। ये पीस सिल के रेडी हो गया है। इसी तरह ये पीस सिलेंगे और इसी तरह ये पीस सिलना है। जिस तरह से रखे उसी तरह हमें सिलने हैं। सारे पीसेस सिल दिए हैं। इसके बाद सिलने के बाद हमारा कपड़ा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इस तरह से हमें लाइन लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कट कर लेना है चारों ओर से। ये एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। अब देखिए, सारे पीसेस मैंने सिल दिए हैं और इस तरह से सेट कर दिए हैं। इसके बाद जैसे ये पीस है हमारा वाइट कलर का, यहाँ से हमें ये तिरछी लाइन लगानी है और यहाँ सेंटर से हमें थोड़ा 1/2 इंच तक ले लेना है यहाँ से,
और इस तरह से हमें राउंड में यहाँ मिला देना है कि इस तरह से राउंड में शेप दे दी है। अब यहाँ पे हमारा स्टेम लगेगा, तो ये मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है। ये जैसे हमारी तिरछी पट्टी कटती है गले में लगाते हैं तो पाइपिंग भी बनती है हमारी उसकी, ये हम 1 इंच ले लेंगे या 1.25 इंच तक लेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह लाइन लगा देनी है। ये हमारी तिरछी पट्टी ही लगेगी तभी अच्छा से आएगा यहाँ से, तो इस तरह से हमें यहाँ से कट कर लेना है। इसके बाद ये पट्टी है, इसे हमें थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करना है, प्रेस कर लेनी है और थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे और दूसरी साइड से भी इतना ही फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी प्रेस करके क्या कपड़ा हमारा एकदम सेट हो जाएगा। कपड़ा सेट हो गया है, इसे थोड़ा हमें जैसे उरेब में है पट्टी इसे खींच खींच के इस तरह थोड़ा राउंड में ऐसे बना लेना है इसे, तो ये स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो गई है इस तरह से। अब इसे थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से खींचना है ताकि ये हमारी थोड़ी राउंड में आए शेप, तो यहाँ से कट करके बराबर कर लेंगे और ये निशान मैंने लगाया है इसके यहाँ पे रखना है हमें, ये सेंटर में आए और यहाँ से हमें ये गुलाई में ही यहाँ से ऐसे रख के इसको सिलाई लगा देनी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये स्ट्रिप्स इस तरह से लगाई है, यहाँ से सिलाई लगा दी है और यहाँ से सिलाई लगाई है। अब ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है इस तरह से और ये भी ऐसे ही कट करेंगे। अब देखिए ये पीस भी रेडी हो गया है, तो सीधी भी लगा सकते हैं लेकिन इस तरह से थोड़ा हम इस ऐसे शेप में लगाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी। सारे पीस रेडी हो गए हैं, इनको सिलना है, ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे, दोनों पीस सिल दिए हैं। अब इन दोनों पीसेस को सिलना है लेकिन ये ध्यान रखना है ये कॉर्नर हमारे बराबर आने चाहिए। अब देखिए सारे पीसेस मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, ये हमारा इस तरह से आया है तो एकदम कॉर्नर से कॉर्नर बराबर आए हैं। ये हमारे तभी आएंगे बराबर जब हम कटिंग जब हम मार्किंग बराबर करेंगे तो हमारा एकदम बराबर आएगा। अब यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है, प्रेस करने के बाद यहाँ से ये सीधी लाइन ऐसे लगा देनी है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है चारों ओर से। ये पीस हमारा बन के रेडी हो गया है, इतने मेजरमेंट में बना है 7.5 इंच यहाँ से और यहाँ से भी 7.5 इंच है, तो इस तरह के हमें 4 पीस बना लेने हैं। तो जैसे ये मैंने एक और बनाया हुआ है इसे भी हमें इस तरह से लगा देना है, जैसे दोनों पीस इस डायरेक्शन में लगाए हैं तो नीचे वाले भी इसी डायरेक्शन में हमारे आएंगे तो ये कुशन कवर का डिज़ाइन बन जाएगा इसका। तो इतना पीस बन गया है, अब इसका हमें जैसे बेडशीट बनानी है तो थोड़ा और डिज़ाइन को बढ़ाएंगे, तो ये मैंने एक स्ट्रिप्स ली है रेड कलर की, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं आप, तो मैंने 2 इंच की ली है, इसे हमें यहाँ पर लगाना है और ये भी 2 इंच की है ये भी यहाँ पर लगाएंगे, ये जगह बची है यहाँ पे हमें 2 इंच का और 2x2 इंच का ये पीस लगा देना है इस तरह से। अब इसको सिलना है तो ये पीस पहले सिलेंगे इसके साथ, उसके बाद ये पीस सिलेंगे इसके साथ, ये पीस इसके साथ सिल दिया है, ये भी दोनों सिल दिए हैं तो ये हमारा यहाँ लगेगा, तो ये हमारा इसके बराबर आना चाहिए, फिर हम इसके साथ सिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये एक्स्ट्रा है इसे हमें इस तरह बराबर रख के कट कर लेना है, यहाँ का भी ऐसे कट कर लेंगे। ये पीस हमारा इस तरह से बन गया है, ऐसे ये बना है। अब जैसे इसकी हमें बेडशीट बनानी है तो इस तरह ये आगे एक और पीस लगाना है, तो ये पीस मैंने इस तरह से बनाया हुआ है एक, इसे भी हमें इस तरह से बनाना है और यहाँ पे ये पट्टी दे देनी है, इस साइड में नहीं आएगी ये दोनों साइडों में आएगी, इस तरह हमारी ये पट्टी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमें सिंगल बेडशीट बनानी है या डबल बनानी है उसी हिसाब से हमें ये ब्लॉक्स कट कर लेने हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हमारे लगेंगे ये, और आगे आगे हमें इसी तरह ज्वाइन करते जाना है, तो बहुत ही प्यारी हमारी एक बेडशीट बनके रेडी हो जाएगी।
अब इस डिजाइन से आप कुशन कवर बनाएं, पिल्लो कवर बनाएं, या टेबल का कवर बनाएं, कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।